जी, मेरा नाम कीर्ति सिंह है और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। बाजडी विधानसभा क्षेत्र मेरा कार्यक्षेत्र है। मैम, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया, और जहाँ तक कांग्रेस की बात की जाए तो वो लगातार वो कहती है कि प्रबुद्ध वर्ग हमारे साथ है और हमारे साथ हमेशा रहा है और रहेगा। एक तरफ बिकरू कांड का जिक्र होता है और दूसरी तरफ अभी जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ, आप किस तरीके से देखती हैं, विपक्ष क्या कैसे कर रहा देख रहा है प्रबुद्ध वर्ग को? देखिए, मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, यह जनता को मूर्ख समझते हैं कि जनता मूर्ख है, या फिर यह जनता को मूर्ख बनाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आप बात करते हैं, एक तरफ यह बात करते हैं कि बिकरू कांड में जिसने उस क्षेत्र में उत्पात मचा के रखा था, जिसके नाम का अर्थ ही दूसरा अर्थ ही लोगों को प्रताड़ित करने वाले का बन चुका था, ऐसे विकास दुबे के लिए यह खड़े हो जाते हैं, लाठी लेकर खड़े हो जाते हैं और समाज में उनको ना जाने किस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और दूसरी तरफ आप अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो वहाँ के जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, जो वाकई एक प्रभुत्व वर्ग से निकल कर आते हैं, जिन्होंने वाकई ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किया है, ब्राह्मण समाज के रूप में जनता उनको मानती है, ब्राह्मणों के नेता हैं वो, उनको लेकर जिस तरह का ये सिनेरियो रच रहे हैं, उनके बेटे को लेकर जिस तरह के फंसाने का ये प्रयास कर रहे हैं, ये कुचक्र रच रहे हैं, यह बहुत ही शर्मनाक विषय है। मैं पूछना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, कि यह दोहरा मापदंड आप समाज में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? आप क्या चाहते हैं कि वह लोग जो हत्यारे हों, डकैत हों, आप उनकी पैरवी में तो खड़े हो जाते हैं, पर एक व्यक्ति अजय मिश्रा जैसे व्यक्ति जिन्होंने ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने का प्रयास किया है, आप उनके खिलाफ इस तरह का कुचक्र रच कर जनता के बीच में अपनी सही की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं और जनता यह बात देख रही है, इसका हिसाब आपको आगामी चुनाव में देना पड़ेगा जनता के समक्ष। तो क्या आपको लगता है कि ये जो प्रबुद्ध सम्मेलन समाजवादी पार्टी वगैरह ने जो किया, किस रूप में आप देखती हैं? ये प्रबुद्ध सम्मेलन नहीं, ये बुद्धू सम्मेलन बनाने का प्रयास है और यह समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की यह नीति है कि समाज को तोड़ो, उसको जात में बांटो, उसको धर्म में बांटो, अलग अलग जातियों में इस पूरे समाज को, इस देश को बांटने का यह निरंतर प्रयास करते हैं। कभी प्रभुत्व सम्मेलन के नाम पे ब्राह्मण सम्मेलन कराते हैं, कभी राजभर सम्मेलन कराते हैं, कभी पासवान सम्मेलन कराते हैं। अभी ही हमारे ही विधानसभा में जो यहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, वह ये समाज को मैसेज दे रहे हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने प्रभुत्व सम्मेलन कराया, अभी राजभर सम्मेलन करा रहे हैं। तो आप यह क्या दिखाना चाहते हैं कि समाज को आप बांट कर चल सकते हैं? या भारत देश एकता का देश है, अखंडता का देश है और इस देश ने उन्हीं को पूजा है जिसने एकता की पूजा की है। तो इन सारे नेताओं का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता आगामी चुनाव में देगी। थैंक यू।